नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा खंडेलवाल। स्वागत है आपका अपना अपना स्वाद में। आज हम बनाने वाले आलू से कुरकुरी लच्छा चाट, जिसे हम बनाएंगे इंस्टेंट और कम तेल में। तो हम आज की रेसिपी शुरू करें। लच्छा चाट बनाने के लिए हमने लिए है 2 आलू, जिसे छीलकर पानी में रख लिया है ताकि आलू काले ना पड़े। अब हम आलू को आड़वा खींच लेंगे। हमें इसके लंबे लंबे और मोटे शेड बनाने हैं। आप देख सकते हैं हमने आलू को लंबा और मोटा खींच लिया है। अब हम किसे हुए आलुओं को पानी में डालते जाएंगे। हम आलुओं को अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका अच्छे से मांड स्टार्च निकल जाए। हम किसे हुए आलुओं को एक कढ़ाई में पानी और एक चम्मच के करीब नमक डालकर एक उबाल लेंगे। ध्यान रहे हमें आलू को ज़्यादा नहीं उबालना है। पानी में एक उबाल आ गई है। अब किसे हुए आलू को छलनी में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर कपड़े में रख कर इसको निचोड़कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। इसमें मांड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब हम इसे एक बर्तन में डालेंगे। 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने पानी में नमक डाल लिया था। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम देखते हैं हमारे आलूओं की एक बॉल सी बन गई है। अब हम किसे हुए आलू को टिक्की की शेप में देंगे और उन्हें शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इन्हें पैन में शैलो फ्राई करेंगे। अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे साइड में पकने देंगे ताकि ये और भी क्रिस्पी हो जाए। अब हम किसे हुए आलू की टिक्की बनाकर उसे बीच में रख देंगे। अब इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट में इसके 3 पीस रखकर उसमें दही डालेंगे। फिर अब हम इसमें 1 पिंच भुना हुआ जीरा, मिर्च, नमक स्प्रिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच धनिया चटनी, आधा चम्मच इमली की चटनी डालेंगे। इसके बाद हम इसे ग्रेटेड बीट और धनिया पत्ती और 0 इंच की नमकीन से गार्निश कर देंगे। हमारी क्रिस्पी रोस्टेड लच्छा चाट बनकर तैयार है। दोस्तों, लच्छा चाट टिकिया से तो बहुत ही कुरकुरी होती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट।